नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के आईआईटी को सौगात दी है और साथ ही पीएम ने आईआईटी के भिलाई परिसर का शुभारंभ किया। इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भिलाई के परिसर का वर्चुअल शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। आईआईटी भिलाई का परिसर देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और 400 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य करीब 4 साल पहले 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। इसके अलावा कवर्धा और कुरूद में केंद्रीय विद्यालय के नव निर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का प्रण लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना पड़ेगा। पूरे देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 32,000 करोड़ से ज्यादा का सौगात दिया है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सौभाग्यशाली है कि आज उन्होंने आईआईटी भिलाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका बहुत आभारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आईआईटी भिलाई की खासियत, थर्ड जेनरेशन आईआईटी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन प्रोग्राम। यहाँ छोटे कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस। आईआईटी भिलाई में 2,500 छात्रों की क्षमता। वर्तमान में 700 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे। निर्माण के लिए 1,090 करोड़ स्वीकृत। 889.22 करोड़ की लागत से बिल्डिंग निर्माण, लेक्चर हॉल, सेमिनार रूम, क्लासरूम बनाए गए। 2023 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया। भिलाई आईआईटी में साल 2023 के अक्टूबर से छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले रायपुर के सेज बहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईआईटी चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं प्रदेश में महतारी बंधन के फॉर्म भरने की तारीख 1 दिन बढ़ा दी गई है। इसका ऐलान मंत्री विजय शर्मा ने सदन में किया। विधायकों ने इस योजना की तारीख बढ़ाने की मांग की थी और आज इसके आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। अब 21 फरवरी तक महतारी बंधन योजना के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे, यानी 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। जो मांग की जा रही थी महतारी बंधन योजना को लेकर कि तारीख आगे बढ़ाई जाए, इस मांग को पूरा किया गया है सरकार की तरफ से और विजय शर्मा ने इसको लेकर ऐलान कर दिया। विजय शर्मा डिप्टी सीएम और गृहमंत्री भी है छत्तीसगढ़ के। उन्होंने ऐलान सदन में ही किया कि 1 दिन और बढ़ाया जाएगा फॉर्म भरने की तारीख, 1 दिन और बढ़ा दी गई है। तो महतारी बंधन योजना के फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। मंत्री विजय शर्मा ने सदन में इसकी घोषणा की और साथ ही आपको बता दें कि विधायकों ने सरकार से तारीख बढ़ाने की मांग की थी। तो महतारी बंधन योजना का ऐलान सदन में मंत्री विजय शर्मा ने इसकी घोषणा की थी और बजट में योजना के लिए प्रावधान भी किया गया है। हर ग्राम पंचायत में सदन बनेगा, महिलाओं को बैठने के लिए ये सदन बनेगा। अब इसका भी नाम ऐलान कर दिया गया है, इसका नाम होगा महतारी सदन, जो कि महिलाओं के बैठने के लिए बनाया गया है। महतारी सदन योजना का ऐलान किया गया, सदन में मंत्री विजय शर्मा ने इसकी घोषणा की। बजट में योजना के लिए प्रावधान है, हर ग्राम पंचायत में एक सदन बनेगा जिसमें कि महिलाओं को बैठने के लिए सुविधा होगी। छत्तीस
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को मुफ्त में रेत मिलेगी। जी हां, विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में छोटे छोटे काम के लिए कोई रेत ले जा रहा है और कोई घर बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनना शुरू हो चुका है। 5 साल तक घर नहीं बन पा रहे थे, ऐसे लोग फ्री रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मुद्दा उठा था। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि छोटे मोटे ट्रैक्टर में और पीएम आवास के लिए रेत ले जाने वालों पर कार्रवाई हो रही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि रेत की बहुत सी खदान लीज पर नहीं दी गई है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। छोटे ट्रैक्टर से ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी रेत की जरूरत होगी उसके लिए हम लोग निःशुल्क रूप से उनको उपलब्ध कराएंगे। ये एक और गलत करने वाले बड़े बड़े बाहुबली माफिया लोगों पर कार्रवाई हो। विष्णुदेव साय जी की सरकार अध्यक्ष महोदय, कोई बाहुबली नहीं बचने वाला, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह कोंडा गांव में बैठक करेंगे, जांजगीर चांपा में सभा को संबोधित करेंगे, बिलासपुर में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह 22 को 12 बजे सेना के विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से कोंडा गांव, जांजगीर चांपा और बिलासपुर भी जाएंगे। तो 22 फरवरी को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, कई जगहों पर अमित शाह जा सकते हैं, बेहद ही अहम माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का ये दौरा अमित शाह का। जांजगीर में सभा को वो संबोधित करेंगे, बिलासपुर में प्रबुद्ध जनों से भी वो मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बता दिया और कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी पर प्रलोभन देने का आरोप हास्यास्पद है। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। आज कांग्रेस पार्टी डूबती नैया हो गई है, सब बड़े बड़े लोग कांग्रेस को छोड़कर अपना ठिकाना खोज रहे हैं, और ऐसे समय में ये उनका मतलब वक्तव्य बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की ओर से लालच देने के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया है। किरण सिंह देव ने कहा कि उनके नेताओं को लालच देने का प्रश्न कहां से उठता है, अगर उन्हें कोई संदेह है तो उन्हें अपने संगठन में पता करना चाहिए कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई। अगर बीजेपी की तरफ से ऐसा कोशिश है तो उन्हें खुलासा करना चाहिए। अब लालच देने का प्रश्न कहां उठता है, और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर किसी प्रकार से कोई शंका संदेह है तो अपने संगठन में श्री भूपेश बघेल जी को देखना चाहिए कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या नेताओं का अपने ही संगठन से मोह भंग हो रहा है। ये तो चिंता उनकी होनी चाहिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रयास हुआ है तो उस पर खुलासा करना। तो सीएम विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कंगाल होने के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो खुद लाभ का बजट पेश किया, हमने भी लाभ का बजट पेश किया था, फिर कैसे आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सीएम साई के प्रस्तुत किया है उसमें तो लाभ का बजट प्रस्तुत किया, हमने भी लाभ का बजट प्रस्तुत किया, तो बदहाली कहां हो गया। यदि बदहाली होता तो घाटे बजट प्रस्तुत करता। जो जो 3% से कम उनका घाटा है ये भी वित्त मंत्री ने कहा। यदि हम बदहाली करते तो अभी जो बजट में जो आर्थिक उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें परिलक्षित होता। तो मुख्यमंत्री अब उनको जितना बोलवाया जाता उतना बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होगी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रायपुर में पूर्व
पूर्व मंत्री कवासी लखमा की तबियत अचानक से बिगड़ गई। विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, इसी दौरान उनकी तबियत बिगड़ी। बताया ये जा रहा है कि पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को हार्ट अटैक आया, माइनर हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल उनकी तबियत स्थिर बताई जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कवासी लखमा की, जहां विजय शर्मा डिप्टी सीएम उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनकी हालत के बारे में उन्होंने जाना, उनसे बातचीत की। कवासी लखमा फिलहाल ठीक है, उनकी हालत स्थिर है, माइनर अटैक उन्हें आ गया था, जिसके बाद आप देख रहे हैं ये तस्वीर। मुलाकात का जो सिलसिला अस्पताल में देखने को मिला, और विजय शर्मा डिप्टी सीएम मिलने पहुंचे। कवासी लखमा अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। कवासी लखमा की जब तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों की तरफ से कहा गया माइनर अटैक उन्हें आया था, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। पूर्व में आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं कवासी लखमा। और अब खबर बिलासपुर से है। यहां के तोरवा थाना क्षेत्र के देरी खुर्द अटल आवास में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बसने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने आईजी एसपी और नगर निगम को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही लोगों ने वेरिफिकेशन की मांग की है। ये भी बता दें कि सर्वे में 65 परिवारों के अवैध कब्जे का खुलासा हो चुका है। निगम ने पुलिस को सर्वे की सूची सौंप दी है। लोगों ने इलाके में अपराध बढ़ने का भी आरोप लगाया। जब से अटलवास निर्माण हुआ वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग आके बसे, और धीरे धीरे करके वहाँ आज उनकी संख्या 20 से 30 घरों की हो गई है। और आज दो साल पहले तो बता रहा हूँ 15-20 थे, आज बहुत ज़्यादा संख्या है। अभी वहाँ से देखने में अधिकतर लोग पहचान में नहीं आते कि वो यहाँ के हैं नहीं। और पूर्व में भी मैं बता रहा हूँ, जब 17-18 की बात है, तोरवा थाना को सूचना भी आई थी कि वहाँ बांग्लादेशी कनेक्शन है, बांग्लादेशियों से फ़ोन आता है वहाँ, उसकी भी उस वक्त के TI साहब जाँच किए थे। अभी वहाँ ये भी है कि वहाँ धर्मांतरण, आप वीडियो जो अभी न्यूज़ में चल रहा है उसमें भी देख सकते हैं कि कुछ लोग हिंदू लोग जिन चोटीधारी वहाँ नमाज वमाज पढ़ रहे हैं। अब ये हम चाह रहे हैं कि उनका जांच हो, उनको विस्थापित किया जाए वो जगह से, जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ पे, जो लोग किराए में दिए हैं या जो भी वहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं उसको हटा कर वहाँ पर जो एक्चुअल गरीब हैं उनको रखा जाए वहाँ पे। जो गरीब लोग ले लेते हैं, चार चार उनका रहता है लेकिन वो वहाँ पे रहते नहीं है, उनको वहाँ पे स्थापित किया जाए। अटल आवास में कोई झाड़ फूँक के लिए या बीमारी को ठीक करने और बाकी अन्य करके वहाँ निवास करने वाले और बांग्लादेशी लोग आके वहाँ रह रहे हैं, इस तरह की कोई शिकायत आई है तो जाँच कराई जाएगी उसमें। कितना गंभीर देखती है मैम इस पूरे शिकायत को? शिकायत की जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि ये तथ्य सही है या नहीं है, वो जांच का विषय है। हाँ, जब से अटलवास निर्माण हुआ वहाँ कुछ विशेष समुदाय के लोग आके बसे, और धीरे। बलौदा बाजार जिले से 10 किलोमीटर दूर पर बसे बिटकुली गांव में पिछले कई सालों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस गांव के लोग झरिया का गंदा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। यहां पेयजल का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। गांव में कई साल पहले दो हैंडपंप लगे थे लेकिन उनसे भी पानी नहीं आया। पानी के लिए गाँव वालों को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हमारे ग्राम पंचायत बिटकुली में पानी का समस्या बहुत गंभीरता से चल रहा है कि हम झेरिया खोद कर हम पानी पी रहे हैं कि बोर से हमारा सक्सेस नहीं है, बोर में हमारा पानी नहीं मिल पा रहा है। कितने सालों से ऐसा कर रहे हैं? कई साल गुजर गए हमारे बुजुर्ग अभी भी, लेकिन आज तक पानी हमारा बिटकुली में सक्सेस नहीं है। ये पानी ठीक रहता है? पानी ठीक है, हमारा बुजुर्ग अभी अभी वर्तमान में भी है, हम यही झेरिया से पानी उपयोग करके हम पी रहे हैं। वो कई साल हो गए जब से हो तब से दादी उम्र काटा थे, फिर भारी दिन चाब लिया है तब बीच में पी था। घर में नल वल नहीं लगवाया है? हाँ, कुछ नहीं है, पानी नहीं आया। कतेक साल ले पिया था वो? 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल। पानी कई पूरा में पानी गुजारा चल। कतेक आदमी पिया था? 50-60 घर बस्ती भीतर के तक आते समय में।
बिन पानी सब सुन। सबसे पहले तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर है बलौदा बाजार से 10 किलोमीटर दूर बिटकुली की, जहाँ झेरिया से लोग पानी निकालते हैं। किस तरह से देख सकते हैं तस्वीर, कहीं और की नहीं है, जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बिटकुली गांव है, वहां की तस्वीर है। मैं कैमरे को पास आना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं किस तरह से ये लोग गड्ढे करके झेरिए से पानी निकाल रहे हैं, इससे इस पानी को घर में पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं। आपकी समस्या नहीं है, जब भी गर्मी आती है तब भी इसी तरह की समस्या होती है। आखिर कैसी समस्या होती है, कब से समस्या हुआ था? 500 साल हो गए जब तब से हम ना बीच में पानी पीछा। बोर वगैरह नहीं है आस पास में, कुआ है तेनो दे सीसी बोदर पी खा के फेंक दे वाते और बांधे नहीं। सरपंच है, पीने के लिए भी उपयोग करते हैं पानी ला। हाँ। देख सकते हैं, एक बार और दिखाना चाहते हैं किस तरह से ये जो पानी है, ये छोटे से गड्ढे बनाकर इसी पानी का उपयोग, बर्तन जो है पूरी यहाँ पर रखी हुई है, इसी का उपयोग पीने के पानी के लिए करते हैं। हम भी देख सकते हैं पानी यहाँ से निकालते हैं और पानी को जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये लोग पीने का पानी यहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो यही वो पानी है जो गड्ढे और झेरिया बनाकर ये लोग इस पानी का उपयोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन को भी इस स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि जिस जगह पर जल का स्रोत है वहाँ पर इन लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इन लोगों की समुचित व्यवस्था हो सके। उच्च स्तर के यहाँ पर अधिकारी आए और झेरिये की जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनको जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश करें, ताकि इन लोगों की समस्या यहाँ पर समाधान हो। तब तक के लिए योगेश यादव, News18 बलौदा बाजार। विश्व हिंदू परिषद पर हिंदू समाज के साथ ही मुस्लिम समाज को भी भरोसा है, इसका उदाहरण रायपुर के वीएचपी प्रदेश मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। रायपुर से आकाश शुक्ला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायपुर के पंडरी में विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मुख्यालय, इसके परिसर में साल 2003 से अस्पताल चल रहा है, जहां हर समुदाय और धर्म के लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस अस्पताल में मुस्लिम लोग ज्यादा संख्या में इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल के मुताबिक इलाज के लिए हर दिन 120 से 150 मरीज पहुंचते हैं। संस्था का कहना है कि इलाज कराने वालों में लगभग 60% तक मुसलमानों की आबादी है। कभी 100, कभी 150, कभी 120 होते हैं, और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लोग यहाँ 60% अरे ज्यादा ही उनकी थोड़ा सा मने उनका वो रहता है। यहाँ पर मुस्लिम लोग भी लाभ लेते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा और मानव सेवा का उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश भर में काम करता है। उसी परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और वो हॉस्पिटल समस्त जनमानस की सेवा के लिए काम करता है। और सेवा करते हैं जब हम, धर्म नहीं देखते, संपूर्ण धर्म के लोगों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। वहीं इलाज के लिए बीएचपी के अस्पताल पहुँचे अब्दुल जब्बार ने बताया कि अस्पताल में बेहतर इलाज के साथ निशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। बेहतर सुविधाओं और सेवा भाव को देखते हुए हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं। अभी हम लोग आए थे हड्डी का चेकअप कराने के लिए। हाँ। तो सुविधा सही है। हाँ। और अच्छा इलाज होता है, अपने सुने हैं। हाँ। तो आज आए थे हम लोग। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद अपनी उग्र हिंदू राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अस्पताल में इस उग्र राजनीति से इतर समर्पण और सेवा का भाव देखने को मिला। तो वहीं सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में जवानों ने नया कैंप खोला है, इसके बाद गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और मेडिकल कैंप लगाया। यहां इनामी नक्सली हिड़मा की मां और बारसे देवा का परिवार पहुंचा, उनके स्वास्थ्य की भी जांच की गई। इस इलाके में पहली बार स्वास्थ्य शिविर लगा है। पूर्ववर्ती गांव में नक्सलियों का दबदबा रहा, लेकिन हाल ही में सुरक्षा बलों ने इस गांव में अपना बेस कैंप बनाया।